जहेज का सारा सामान घर में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया उन्होंने। मशीनें वगैरह सब निकाल ली है। मेरी समझ में नहीं आता कि अगर मैं खारिया गई तो क्या लेकर जाऊंगी, और अगर सामान उठाने की बात की तो फिर घर में झगड़ा होगा। अरे दफा करो सामान को, सामान इस्तेमाल करते हैं तो करने दो उनको। सामान के इस्तेमाल पे झगड़ा करना छोटे पान का मुजाहरा होता है। नहीं मम्मी, मैं झगड़ा नहीं कर रही, बस मुझे दुख होता है। कितने शौक से खरीदी थी मैंने सारी चीजें। कोई बात नहीं बेटा, खारियां जाने से पहले हम तुम्हें दोबारा सारी चीजें खरीद देंगे। अब आप बार बार मेरा जहेज तो नहीं बनाएंगे ना? अच्छा खैर कोई बात नहीं, मैं इन चीजों के बगैर गुजारा कर लूंगी। अच्छा चलो तुम थोड़ा सा फल तो खाओ, पता नहीं वहां कैसे खाती होगी, तुम तो यहाँ खाने में इतना तंग करती हो। वहां पे फलों का रिवाज नहीं अम्मी, बस तीन वक्त का खाना बनता है वही मिलता है। फल वल सब छोंचने लगते हैं मेरी सास को। शवार बीबी, मंसूर साहब का फोन है। इसमें यकीन ना करने वाली क्या बात? नहीं तो उस दिन आप बहुत नाराज हुए थे ना, इसलिए। क्योंकि उस दिन तुमने मुझे पीसीओ से फोन किया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। अब फिर ऊपर से तुमने अम्मी को भी नहीं बताया। अब आपकी अम्मी को पता है कि आप मुझे फोन कर रहे हैं? और क्या हो रहा है? मेरे माँ बाप के घर में मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, बस आराम करती हूँ। हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें अपने माँ बाप के घर में बड़ा आराम है। आराम की बात नहीं है मंसूर, ये सारे लोग मेरी परवाह करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। खैर आपको मेरा ख्याल कैसे आ गया? खारियां जाके तो आप भूल जाते हैं कि जैसे बीवी नाम की कोई चीज भी है आपकी जिंदगी में। भूल गया होता तो इस वक्त फोन ना करता। फोन तो आप वहां पे भी करते हैं, लेकिन वहां तो आपने कभी नहीं पूछा कि मेरा क्या हाल है। क्या हाल है तुम्हारे? हाल भी अच्छा नहीं है और मुस्तकबिल भी बुरा लग रहा है। नजुमी बन गई हो क्या? यही समझ ले। आज मंसूर भाई ने कैसे फोन कर लिया? मैं तो खुद हैरान हो रही, शायद घर पे कॉल की होगी, पता चला होगा मैं यहाँ पर हूँ, इसलिए कर ली होगी। इतनी लंबी बात हुई, और क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस इधर उधर की बात। इन इधर उधर की बातों में इजहारे मोहब्बत किया? वैसी बातें नहीं करते मानो। इतनी लंबी बात हुई, और क्या कह रहे थे? पूछ रहे थे कि तुम्हें हैदराबादी बैंगन बनाने आते, अगर नहीं आते तो जितने दिन वहां हो सीख। और कह रहे थे कि उन्हें मैदे की सेवइयां भी बहुत पसंद है, वो भी सीख लो। और कह रहे थे कि सिलाई कढ़ाई भी सीख लो। उफ, वो ये सब कुछ कहते रहे, आप सुनते रही, आपने फोन बंद नहीं किया। अगर मेरा मियां मुझे फोन करके ये सब कुछ कहता तो मैं किसी नौकरानी का रिश्ता बताती और फोन बंद कर देती। कल फिर फोन करेंगे। कल फिर आपका दिमाग खाएंगे। आप फिर भी खुश हैं?